तो वीवर्स, अभी हम आए हैं बिस्मिल्लाह शेख रेस्टोरेंट पर। वीवर्स, सुबह का यहाँ पर इतना भाई मजेदार जो है नाश्ता बनता है, ये बस स्टॉप के सामने है बिस्मिल्लाह शेख होटल। तो चलें चलते हैं होटल में और आपको बताते हैं। तो वीवर्स, ये हैं काशी भाई, चलें इनसे भी पता करते हैं नाश्ते में इनके पास क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काशी भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि नाश्ते में आपके पास क्या क्या होता है। हमारे पास पराठे होते हैं, अंडे होते हैं और इंशाल्लाह डालडा भी है। हम चार अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे मान भाई आए हैं पराठे अंडे लेने और इंशाल्लाह डालडा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्ग चने हैं, उसके बाद अंडे फ्राई है, लस्सी है, हर चीज होगी इंशाल्लाह पराठे में हमारे के ना। जी बेटा, ऐसा करो ना। ये पसंद नहीं है इसको, ये नमाज़ और वीडियो बन रही है, ये खड़ा हुआ है, नाम शामिल हो रही है तुम। ये भी बस पराठे बन रहे हैं, माइश करो पुत्र जी। ये भी बस अंडे हैं, चने होते हैं, मुर्ग चने हैं, उबले हुए अंडे हैं और डालडा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। डालडा घी को वो डब्बे पड़े हैं उनकी को पूछा दस बने हुए जी पराठे और माशाल्लाह अंडे भी, बहुत मजे का नाश्ता है। देसी घी डाल के अल्लाह बरकत डाले जिनके खाने। ये भी बस यहाँ पर नाश्ता करने के लिए वो डालडा घी जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ व्यू देखें। ये भी बस सुबह माशाल्लाह बहुत रश होता है शेख रेस्टोरेंट पर। ये भी बस दीने का बहुत मशहूर है होटल। नाश्ता कैसा है सुबह का? ये भाई जी बहुत अच्छा नाश्ता है, पूरे दिन में मेरा ख्याल है इसके साथ का नाश्ता नहीं मिलता। हम जन्म से स्पेशल हम ना साया आलमगीर से इधर नाश्ता करने के लिए, ये बहुत अच्छा नाश्ता जबरदस्त है। ये देखिए एक नंबर डालडा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, सफाई का बड़ा इंतजाम है, बहुत अच्छे बंदे हैं और काम करने वाले, और खाना भी ठीक है, सर्व भी ठीक है, हर चीज ठीक है, हर म्यार के मुताबिक। और इंशाल्लाह ताला ऐसा भी ये इस तरह ही मेरा ख्याल करेंगे। हम तकरीबन 10 साल से इधर खाना खा रहे हैं, 10 साल से हम लाहौर से आते हैं जेलम, जेलम से इधर स्पेशल नाश्ता करने के लिए, और चाय भी अच्छी है और अखलाक वाला। आप व्यू देखिए माशाल्लाह बहुत रश पड़ा हुआ है। अभी बस ये नाश्ता आ गया, अभी नाश्ता करूँगा और आपको टेस्ट बताऊँगा मैं खुद ये शेख रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है वो कैसा है।
तो व्यूअर्स नाश्ता मैंने कर लिया है माशाल्लाह, बहुत मज़े का जायका है यहाँ पर, बहुत अच्छा जायका है। बेहतरीन से बेहतरीन नाश्ता अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें बिस्मिल्लाह शेख रेस्टोरेंट पर। तो व्यूअर्स यहाँ पर मुर्ग चने, उसके अलावा बिरयानी भी सुबह यहाँ पर होती है, सब कुछ है। आप विज़िट करें और यहाँ का टेस्ट चेक करें। माशाल्लाह ये हम मिक्स सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। मिक्स सब्जी आलू गोभी गाजर मटर शिमला मिर्च तभी। तो बस ये अभी भाई बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी, और फुल बिरयानी बनाने का भी आपको मेथड बताएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमने चावल भिगोए हैं जी 2 घंटे के लिए, सेला चावल, ये सेला चावल है 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है, ये पानी है, इसमें नमक डालना है, नमक डाल दिया, ये चावल डालने लगे हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावलों को अच्छी तरह से सब को जो है ना डालने, जाया ना हो एक दाना भी। अब उबलते पानी में चावल को डाल दिया है, अब ये उबलने के लिए रख दिया मैंने, 5 से 7 मिनट में उबल जाएंगे। माशाल्लाह चावलों को उबाल आ गया, चावल माशाल्लाह हमारे उबल चुके हैं। अब हम इसकी बिरयानी लगाएंगे, चिकन बिरयानी। बिस्मिल्लाह रहमान, आप चिकन बिरयानी लगाने लगे हैं दम वाली। ये मुर्गा है बिरयानी के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम बिरयानी की दूसरी तह लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी जो चावल हैं हम डालने लगे हैं, बाकी चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हल्का सा कलर दे के और बाकी जो चिकन है वह बिरयानी के ऊपर डालने लगे हैं। चिकन हमारा 1 किलो था। अब ये हम 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चिकन बिरयानी तैयार है। बिस्मिल्लाह देखे कितने खूबसूरत खिले हुए चावल हैं सारे। Yeah.